देखिए, हम पढ़ने वाले हैं वर्क एंड वर्चुअल वर्क पढ़ने वाले हैं। तो वर्क क्या होता है, जिसमें कोई फोर्स लगाते हैं, उसमें कुछ यहाँ पे क्या कि डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे ये हमारा ईयरपोर्ट है, ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है कि वर्क हो रहा है। जैसे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स जैसे ही लगा रहे हैं तो हमारा ओपन हो जा रहा है। देखिए, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो हमारा ओपन हो जा रहा है, देखिए, और इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो क्लोज हो जा रहा है। मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए वर्क हो रहा है, ठीक, ये हमारा वर्क हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कुछ हो रहा है, ठीक, तो ये हमारा हो गया वर्क, ठीक। और वर्चुअल वर्क मीन्स क्या हो गया कि जैसे कि इसको हम प्रेस कर रहे हैं, इधर से हम प्रेस कर रहे हैं, देखिए, तो हम फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगा रहे हैं तो कुछ चेंजेस नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा, तो इसे हम बोलेंगे वर्चुअल वर्क। मीन्स इमेजिनेशन कर रहे हैं कि इसमें कार्य हो रहा है, ठीक। तो देखिए, और एक वर्क का एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे कि एक कोई पी पॉइंट पे पार्टिकल है, ठीक, यहाँ पे, और इसमें हम फोर्स लगाएं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिए, तो ये जो पार्टिकल है ये क्या किया कि अपना पोजीशन को चेंज कर दिया पी डैश पे, और यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये हमारा डी डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यहाँ पे कुछ वर्क हुआ, देखिए, जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ वर्क हुआ है, यहाँ पे पी पॉइंट पे पहले था, अब पी डैश पे आ चुका है, तो यहाँ पे हमारा वर्क हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्क इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ पे डी इंटू एफ मीन्स डिस्प्लेसमेंट इंटू यहाँ पे फोर्स होता है, ये हमारा वर्क हो जाता है, ठीक। तो देखिए, इसका प्रॉपर डिफिनेशन लिखते हैं कि एक्चुअली में वर्क जो है वो क्या है। लिखेंगे, अ फोर्स इज सेट टू डू वर्क ऑन अ बॉडी व्हेन इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन moves in the direction of force। जिस ओर हमारा फोर्स लगेगा उसी ओर अगर वो मूव करेगा, पार्टिकल्स कोई मूव करेगा, तभी हम बोलेंगे वो हमारा वर्क है, ठीक है। तो ये हमारा फोर्स, ठीक है। देन देखिए, द वर्क डन बाई अ फोर्स, फोर्स के द्वारा कोई एक वर्क डन होता है तो इज मेजर, कैसे किया जाता है, मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ, जैसे कि था डिस्प्लेसमेंट इनटू हमारा फोर्स था, तो उसका प्रोडक्ट मीन्स क्या, मेजर बाय द प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड magnitude of the force and the distance through which its point, ठीक है, जो हमारा डिस्टेंस होगा वो पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन इज मूव्ड इन द डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मीन सिंपली बोला गया, जैसे कि पी पॉइंट पे कोई एक पार्टिकल है, उससे देखिए यहाँ पे पी डैश पे हम मूव करवा दिए, किसके थ्रू, फोर्स के थ्रू, ठीक है। तो फोर्स अप्लाई किए, तो फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में, तो पी पार्टिकल हमारा इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा, जैसे वर्क इक्वल टू हो जाएगा डी इंटू एफ, ठीक, ये हो गया हमारा वर्क। अगर यही पार्टिकल अगर इधर मूव ना करे, इधर मूव कर जाए कहीं, तो फिर कैसे होगा, जैसे कि ये हमारा पी पॉइंट पे पार्टिकल है, हम एफ इस डायरेक्शन में लगाएं फोर्स, ठीक है, पी पॉइंट पे यहाँ पे पार्टिकल है, मूव कर गया इधर, पी डैश हो गया, ठीक। तो जो फोर्स हम मेजर करेंगे, तो वो कैसे मेजर करेंगे, मीन्स जो हमारा वर्क होगा, सॉरी, वर्क जो मेजर करेंगे तो वो हम कैसे मेजर करेंगे, तो वर्क मेजर होगा, देखिए, इधर हम बनाएंगे, यहाँ पे फोर्स इधर हमारा अप्लाई हो रहा है, तो फोर्स इधर हम अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे लाइन, देखिए, तो यहाँ का डिस्टेंस ये निकालेंगे, ये जो हमारा डिस्टेंस जैसे ही निकलेगा, यहाँ कुछ एंगल बनेगा, ठीक है, एंगल थीटा, तो यहाँ जो डिस्टेंस निकलेगा, मान लेते हैं ये हमारा हो, तो जो ये डिस्टेंस निकलेगा मीन्स हमारा वर्क जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफ होगा इंटू यहाँ पे पी ओ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ का जो डिस्टेंस निकालेंगे वो मल्टीप्लाई होगा, एक्चुअली में यहाँ सॉरी डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट हमारा निकलता है, ठीक है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, तो ये हमारा हो गया वर्क, ठीक है। अब वर्चुअल वर्क देखिए क्या होता है, तो वर्चुअल वर्क में क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट नहीं होता वहाँ पे,
फोर्स तो अप्लाई करते हैं लेकिन वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। तो वर्चुअल वर्क के बारे में देखिए डिफिनेशन। वर्चुअल वर्क, वर्चुअल वर्क क्या होता है? इफ देयर इज नो मोशन, उसमें मोशन भी नहीं होगा, जहाँ जैसा ऑब्जेक्ट है वो वैसा ही एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो लिखेंगे इफ देयर इज नो मोशन, नो मोशन, नो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, नो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, इज मेड हाउएवर वी मे अलाउ द बॉडी टू रिसीव एन इमेजिनरी, रिसीव वर्चुअल मीन्स ही होता है इमेजिनरी, इमेजिनेशन करना, मान लेना, ठीक है, इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट, इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड वर्चुअल वर्क, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट उसको कॉल्ड वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि हम इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट माने तो इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट को कॉल बोल सकते हैं क्या कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देन द वर्क डन, वर्क डन बाय द फोर्स इन सच वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्चुअल वर्क। इसी को बोलेंगे हम क्या कि ये हमारा वर्चुअल वर्क है। ठीक है, मीन्स क्या होता है कि इसमें देखिए कोई भी मोशन नहीं होगा, जैसे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे ये हमारा व्हाइट बोर्ड हो गया, इसमें हम फोर्स कर रहे हैं, या फोर्स कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में ही फोर्स कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, वो अपनी जगह पे ही है। मीन्स हम मान सकते हैं कि मान लीजिए कि कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मान सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं कि हाँ कुछ डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, कुछ वर्क हो रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में तो वर्क होता नहीं है, तो वो वर्चुअल वर्क हो गया एंड ये सिंपल वर्क हो गया। ठीक है, तो ये हमारा वर्चुअल वर्क हो गया।